तीन चार बोर्ड तो फिर से लेंगे हम लोग, तो आया था तीन चार बार लेंगे ना, एक सब बोर्ड तो एक बार दो लेंगे ना। का नाम जहांगीर। रीजन है कि काफी काम हमारा स्लो डाउन हो गया, दो तीन वजह जो है जिसकी वजह से हमारा काम कम हो गया। एक तो पहले काफी आफ्टर 370 चार पाँच महीने बंद रहा, उसका भी एक रीज़न रहा। उसके बाद हमारा एक और जो इशू रहा वो जिम पोर्टल का रहा, जिम पोर्टल की वजह से भी हमारा काफ़ी स्लो डाउन काफ़ी काम हुआ। और एक और रीज़न जो है गवर्नमेंट सपोर्ट का जो था, जो हमारी जो मार्केटिंग सपोर्ट जो थी वो हमारे पास 100% हमारे पास नहीं मिल रही है आज की डेट में। जो गवर्नमेंट ने हमें वादा किया था कि आप अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर लीजिए और हम आपको पूरा सेटअप सपोर्ट कर लेंगे, बट जो आज की डेट में जो है वो 0% हमारा सपोर्ट मिल रहा है। और जब से जिम पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से तो बिज़नेस पूरा जीरो का ज़ीरो हो गया है। ऑब्वियसली हो गई है कि जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि आप जैसे देख रहे होंगे कि हमारी फैक्ट्री में जैसे काफ़ी 24 आवर्स का काम चलता था, आज की डेट में हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर ज़ीरो, हमारे पास एक भी परसेंट का काम नहीं है। पहले मोस्टली 80 to 100 लोग काम करते थे और आज की डेट में हमारे पास मुश्किल से 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं। सबसे यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो मार्केटिंग सपोर्ट है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, जो उन्होंने पहले ही भी एक पॉलिसी के तहत जो अभी इन वोग है 2026 तक जो हमें मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए था वो अभी आज नहीं मिल रहा है। अगर वो सपोर्ट हमें मार्केटिंग सपोर्ट आज भी मिल जाए शायद हमारी फैक्ट्रीज रिवाइव फिर हो जाएगी। अगर वैसा नहीं रहा तो उसकी वजह से हमारी जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सब पूरी की पूरी बंद हो जाएंगी। सर आपका नाम? और मैं ज़ुबैर भट्ट हूँ, मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खानों का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपके वसाइल से ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारा काम अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी ध्यान लगा था वो सारा ख़त्म हो रहा है इस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट के ज़रिए से हमें कुछ मार्केटिंग सपोर्ट मिल रहा था थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं बता रही है इस टाइम कि हमने वो ख़त्म कर दी, वो बता रही नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो है लेकिन 2016 में उन्होंने ये हमें बताया था कि आपको मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा थ्रू सी कॉप, जिस पर हम काम कर रहे थे और जिस पर हमने इन्वेस्टमेंट भी की थी। थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा, आपने सेटअप देखा होगा यहाँ पर बहुत लोगों ने किया है, लेकिन वो किया था इन्होंने अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 से, ठीक है। लेकिन वो तो अब रही नहीं एज जो मैं गवर्नमेंट बता रही है, उसके मुताबिक हमने जितना भी यहाँ पे सेटअप किया था जो भी बेनिफिट्स मिलने थे वो हमें मिल रहे थे थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे। और एक और इशू था ये कि गवर्नमेंट के ज़रिए हमें एक फाइनेंस का ऑर्डर मिला था कि आप जी काम करोगे थ्रू जेम पोर्टल से,
लेकिन जेम पोर्टल पे तो हम एग्जिस्टिंग ही नहीं कर पा रहे कहीं पे. उन्होंने तो वहाँ पे कुछ नया ही निकाला है कि अंडर पैक, अंडर पैक पे हमारी स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रही है. उसमें देखिए मेरा स्टार्टअप है, यहाँ पे बहुतों का स्टार्टअप है, स्टार्टअप में वो उतनी सारी सर्टिफिकेट्स नहीं ला पाएगा जब तक कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा. टोटल एक ये मार्केटिंग है, जैसे आप अमेजोन देखते होंगे या फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही जंप पोर्टल भी है. जंप पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट खाली उस पर बाई कर सकता है, उसमें लोकल कोई बाई नहीं कर सकता है. लेकिन वो भी एक बड़ी स्कैम है, मुझे लगता है स्कैम, क्योंकि उस पर लोकल इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही है इस टाइम. जम्मू एंड कश्मीर में आप मुझे एक बंदा दिखाओ जो कि वहाँ पे किसी के जरिए सप्लाई कर रहा है किसी ऑफिस में. ये एक बड़ा स्कैम मुझे लगता है, जितना मैंने एसेस किया है. हम यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 बंदे इस पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन एक भी काम अभी हमसे नहीं हो रहा है. ड्यू टू रीज़न ये है कि अंडर पैक. यार अंडर पैक क्यों रखा आप लोगों ने? अगर हम लोकल इंडस्ट्री, आपने बताया कि आप जी काम करो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ख़त्म कर दी, तो हम कैसे काम करेंगे? या तो हमें कोई ऑल्टरनेट दे दो. जेम पोर्टल पे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ऑल्टरनेट तो दे दो. अब मुझे सिर्फ यही कहना है गवर्नमेंट से कि हमें जिस तरीके से 2016 या 2004 पॉलिसी में जो मार्केटिंग सपोर्ट हमारे पास था, वो हमें मार्केटिंग सपोर्ट कंटिन्यू रहना चाहिए. और जनाब या तो हमें बताओ जो उस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट की थी 2016 की पॉलिसी हिसाब से, वो इन्वेस्टमेंट हमें वापस दे दो, तो हम जी घर में बैठेंगे आराम से, हम काम नहीं करेंगे फिर.